गुड इवनिंग दोस्तों, इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स धीरे 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 मार्केट में एक अपर पोजीशन में आ गए हैं और आने वाले वक्त में हो सकता है मोर देन 95% आपको सिर्फ इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स ही दिखे। दूसरे भी अप्लायंसेज हमारे इन्वर्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे वॉशिंग मशीन भी इन्वर्टर बेस्ड आ जाएगी, इसी तरह से माइक्रोवेव्स आ गए हैं इन्वर्टर पे, रेफ्रिजरेटर्स इन्वर्टर पे आ गए, तो इस टेक्नोलॉजी को समझ ही लेना चाहिए। आइए देखते हैं एक वीडियो और मैं कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आने वाला वक्त आपका हो। तो आइए एक वीडियो देखते हैं। यहां पे एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर का आईडीयू हम लोग चेक करने जा रहे हैं और मेजर पॉइंट चेक करेंगे इंडोर यूनिट में जो हमारी पीसीबी लगी है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी वर्किंग चेक करेंगे कि ये एयर कंडीशनर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक थर्मामीटर है जो रूम टेम्परेचर 31 के आसपास दिखा रहा है, 30.9 दिखा रहा है, और इसकी जो टेल का टेम्परेचर है ये 29.6 है। तो हम तकरीबन टेल के टेम्परेचर को और रूम के टेम्परेचर को एक कर लेंगे। इसको हाथ से गर्म कर रहे हैं ताकि ये तकरीबन एक जैसे हो जाएं। थर्टी पॉइंट नाइन रूम टेम्परेचर है। तो ये तो अप्रॉक्सीमेट 30 के आसपास आ गई है। अब हम इसको ग्रिल पे लगाएंगे। ग्रिल पे ये 2 से 3 मिनट के अंदर 10 डिग्री का ड्रॉपेज आना चाहिए। हमने इसे ग्रिल में लगा दिया है। बहुत तेजी से टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा है। सेवेंटीन पॉइंट वन आ गया, 29.7 रूम टेम्परेचर है। बहुत कम वक्त में इसने 12 डिग्री टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया है। 13.5 आ गया है टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर इज, जब हम लोगों ने ये एसी टेस्ट करना शुरू किया था, स्टार्ट किया था, तो रूम टेम्परेचर करीब 31.8 के आसपास था। तो रूम टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है और ग्रिल टेम्परेचर भी तेजी से रिड्यूस हो रहा है। तो ये प्रूफ कर रहा है कि हमारा एयर कंडीशनर एकदम परफेक्ट कंडीशन में चल रहा है। तो आगे हम लोग और चीज़ें भी चेक करेंगे। हमने अपने मल्टीमीटर को कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई पे लगाया है और आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली 6.3 6.2 एम्पियर्स दिख रहे हैं जो कि नॉर्मल एम्पियर्स हैं। मैक्सिमम ये 7.2 तक जाता है। टेम्परेचर हमने यहाँ पे रूम का 20 डिग्रीज रखा है। अब अगर हमको इन्वर्टर की वर्किंग टेस्ट करना है तो हम रूम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। टेम्परेचर इसका रखते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि एम्पियर्स में क्या चेंज आता है। कुछ वक्त लगता है ये इसका जो प्रोसेसर है वो रीड करने में कि टेम्परेचर का क्या चेंज किया गया है, उसी के मुताबिक उसी के हिसाब से ये कंप्रेसर की स्पीड को रिड्यूस करता है। सिक्स पॉइंट वन सिक्स पॉइंट टू एम्स ले रहा है ये। ग्रिल टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया है।
रूम टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है, 29.3 डिग्रीज हो गया है। इसने सेंस करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एमपीएस को ड्रॉप करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होगा वैसे वैसे ये एम्पियर्स भी डाउन करता जाएगा। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी हमारा इन्वर्टर एयर कंडीशनर कंप्रेसर को वेरिएबल स्पीड पर रन करता है। जैसे जैसे हमारे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पूरी होती जाती है वैसे वैसे ये वोल्टेज रिड्यूस करता जाता है, एम्पीयर रिड्यूस करता जाता है। तो हम लोग आगे भी इसकी पीसीबी की वर्किंग चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हम सप्लाई चेक करेंगे तो ये सप्लाई हमारे डिस्प्ले को जा रही है। यहाँ पे ये दो सेंसर्स लगे हैं, एक रूम के सेंसिंग करता है टेम्परेचर की और एक ट्यूब को सेंस करता है। इधर ये सप्लाई जो है वो फैन के लिए जा रही है, फैन का फीडबैक है, और ये सप्लाई हमारी फैन मोटर को जा रही है। यहाँ पे ये न्यूट्रल आ रहा है, ये हमारा फैन कैपेसिटर लगा है। ये जो आपको एक अलग से वायर दिख रहा है ये हमारा कम्युनिकेशन वायर है। आपको एक नॉर्मल पीसीबी में और इन्वर्टर पीसीबी में डिफरेंस यही दिखेगा कि वहाँ पे इन्वर्टर में आपको ये अलग से कम्युनिकेशन वायर दिखेगा। कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई, आपको ये वाइट कलर की रिले दिख रही है, इसे सप्लाई जो है वो कंप्रेसर को फॉरवर्ड हो रही है। तो अभी एक एक करके हम लोग इन्वर्टर पीसीबी की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चेक करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे फैन मोटर चेक करते हैं। यहाँ पे फैन मोटर को जाने वाली सप्लाई, फैन मोटर अभी मिनिमम पे चल रहा है, रेड है, वाइट है और ये ब्राउन है। तो हम लोग रेड में और वाइट में चेक करेंगे, रेड में और वाइट में चेक करेंगे। नाइन्टी टू पॉइंट सेवन वोल्ट जा रहा है। इसमें वेरिएशन रहता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब अगर हम ये कैपेसिटर वाली लाइन चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज हमको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे ये 128 वोल्ट दिखा रहा है। तो फैन अभी साइलेंट स्पीड में चल रहा है, बिल्कुल साइलेंट पे चल रहा है, लो स्पीड से भी नीचे चल रहा है, तो करीब 92 वोल्ट उसको जा रहा है। यही अगर हम फैन की स्पीड बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम इससे फैन की स्पीड को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि वोल्टेज में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। हाई स्पीड कर दिया तो ये हाई स्पीड पे वोल्टेज 160 के आसपास दिख रहा है, 155-160 के आसपास दिख रहा है। तो मेन आपका जो वाइट और रेड में सप्लाई जा रही है और रेड और ब्राउन में जा रही है, इसमें डिफरेंस मिलेगा क्योंकि ये कैपेसिटर से पल्सेस जनरेट होकर आ रही है। यहाँ पे हमको ये दो सेंसर्स दिख रहे हैं, इन सेंसर्स को हम लोग अगर डिसकनेक्ट कर दें अभी हमने ये सेंसर्स को यहाँ से डिसकनेक्ट किया है। कभी भी ये सेंसर अगर डिसकनेक्ट होते हैं या कुछ ख़राबी सेंसर्स में आ जाती है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिस्प्ले पे तो F1 F2 एरर दिखाएगा। F1 मतलब हमारा रूम सेंसर काम नहीं कर रहा है, F2 मतलब हमारा कॉइल सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेंसर्स के पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज सप्लाई आएगी,
हमने इसको डीसी पे मीटर को किया हुआ है, 5 वोल्ट एग्जैक्ट डीसी आपको यहाँ पे दिखेगा। बहुत ध्यान से चेक करेंगे, एग्जैक्टली 5 वोल्ट डीसी दिखेगा। दूसरे पॉइंट पर चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट डीसी दिखेगा। कंट्रोल सप्लाई आती है। इसी तरह से ये सेंसर एनटीसी सेंसर हैं। इसका अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ पे से चेक करेंगे तो ये 4 किलो ओम के आसपास रेजिस्टेंस दिखेगा। एनटीसी है तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठंडा करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और गर्म करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होने वाला है। तो हम लोग इसको अपनी जगह पे लगा देते हैं। इधर आप देखिए, अभी ये टेम्परेचर दिखा रहा है रूम का। तो हम लोगों ने फैन मोटर को जाने वाली सप्लाई चेक करी। यह हमारा कैपेसिटर का पॉइंट है, इसमें और इसमें आपको वोल्टेज बढ़ के 40 50 60 वोल्ट आपको बढ़ के मिलेगा। ये आपकी कंट्रोल लाइन है जो कि स्पीड को कंट्रोल कर रही है। इसी तरह से ये हमारा फैन मोटर को फीडबैक जा रहा है। फैन मोटर अगर हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो भी यहाँ पे आपको एरर कोड दिखने लगेंगे। अगर ये फैन मोटर का हम पॉइंट निकाल लेते हैं तो आपको एरर कोड वहाँ दिखना शुरू हो जाएंगे। ये हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है यहाँ से फैन मोटर को। 20 सेकंड तक ये वेट करेगा, सेंस करेगा फैन मोटर को। यहाँ पे ये फीडबैक है फैन मोटर का। फैन मोटर का फीडबैक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा प्रोसेसर के पास कि ये फैन मोटर डिस्कनेक्ट हो गया है, ओपन हो गया है या वाइंडिंग इसकी जल गई है। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, हमारा प्रोसेसर एनालिसिस करके, एनालिसिस करने के बाद प्रोसेसर हमारा यहाँ पे H6 का डिस्प्ले करेगा। अब मान लीजिए हमने दोबारा इधर फैन मोटर को रीफिट कर दिया, तभी ये डिस्प्ले जाने वाला नहीं है। हमें मशीन को ऑफ करके ऑन करेंगे तो फैन मोटर जो है वो रिस्टार्ट होगा। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि कंप्रेसर स्टार्ट ले रहा है, 0.5 एम से स्टार्ट लिया है इसने और धीरे धीरे एम्पेयर जो हैं वो बढ़ रहे हैं, मतलब कंप्रेसर की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। यही फ़र्क है एक नॉर्मल एयर कंडीशनर में और एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सप्लाई यहाँ पे बढ़ रही है। हम वोल्टेज भी चेक करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सप्लाई न्यूट्रल है ये और ये कम्युनिकेशन वायर है। तो हम लोग इसको डीसी पे कर देते हैं मोटर को, अपने मल्टीमीटर को, और यहाँ पे डीसी सप्लाई देखते हैं कितनी जा रही है। वेरिएबल सप्लाई जा रही है 46-50 वोल्ट्स डीसी सप्लाई यहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन वाले वायर से, और हम न्यूट्रल में चेक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन वाले वायर से न्यूट्रल में चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोग अपने पीसीबी में चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।